एवरीवन, आई एम जूही, टीचर ऑफ आदर्श शिक्षण एकेडमी स्कूल। आई एम हेयर टू टीच यू ईवीएस। ईवीएस में आपका जो है फिफ्थ क्लास एट चैप्टर है ऑब्जर्विंग द ग्रोथ, इसके हम रिवीजन करेंगे। ऑब्जर्विंग द ग्रोथ, हम ऑब्जर्व करते हैं ग्रोथ को कि कैसे पहले ग्रोथ जो है, पहले बेबी होता है, बेबी फिर चाइल्ड में कन्वर्ट होता है। मनुष्य की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कैसे धीरे धीरे वो चेंज हो जाता है, चाहे मनुष्य के हो चाहे अदर एनिमल्स के भी, प्लांट्स के भी। पर तो यहाँ पर हम ऑब्जर्विंग ग्रोथ में देखते हैं कि जो ग्रोथिंग, जो हमारी एज है 16 से लेके 23 तक, ये ग्रोथिंग एज तक रहती है। 23 के बाद ये जो है स्टॉप हो जाती है हमारा एज का जो ग्रोथ है। आप सभी को पता है कि आपकी यूटी स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए आपको रिविजन कराया जा रहा है। तो इसमें जो MCQs क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, जैसे इसमें ये देखो कि इन विच स्टे एज ग्रोइंग स्टे, मतलब जो है आपका कहाँ तक रहता है, कि लास्ट ग्रोइंग स्टेज क्या है आपका। तो व्हाट इज़ अ लास्ट ग्रोइंग स्टेज, इन विच स्टेट वी स्टॉप ग्रोइंग। तो ऑप्शन भी आ सकता है आपके ऐसे, तो 31, 23 या 15। तो आपको 23 पे क्लिक करना, क्योंकि 23 के बाद जो है एज स्टॉप हो जाए, ग्रोइंग जो होता है वो बंद हो जाता है ग्रो करना। 23 में हम अच्छे से ग्रो कर लेते हैं, जितना ग्रो करना होता है हमारा एज को, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मेजरिंग ऑफ हाइट, हम हाइट को मेजरिंग कैसे करते हैं, आप देख सकते हो। हम मेजरिंग जब हाइट करते हैं तो फीट पे हम देखते हैं, है ना, फिर इंचेस में नापते हैं, फिर सेंटीमीटर में वो कन्वर्ट होता है। तो आप सभी अपने हाइट के मेजरिंग, मैंने बता रखा था कि मेजरिंग करके देखना, तो पता चलेगा आपकी हाइट कितनी क्या। ऐसे ही ऑब्जर्विंग एंड अप्रिशिएटिंग में है कि जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चों को पहले ऑब्जर्व करते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, फिर ऑब्जर्व करने के बाद उसकी जो जितने भी एक्टिविटीज़ है उसको अप्रिशिएट करते हैं, और करना भी चाहिए। जो छोटे बेबी होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो भूखे होते हैं या कभी अपने आप को गीला वेटी महसूस करते हैं, तो वो रो के बताते हैं कि वो गीले हैं या उनको भूख लगी है। तो वो बोल नहीं सकते, तो वो रो के अपना बताते हैं। तो बच्चों का है एक्टिविटी जो इस तरीके से होता है, वो अपने रो के बता के कुछ करके वो बताते हैं, ठीक है। और लाइक एंड डिसलाइक वाला भी हमने पढ़ा था कि हमने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग लोगों की लाइक एंड डिसलाइक होती है, जैसे इन्फ्लुएंसेस से किसी, अब देखो किसी लोगों को खाने में ही ले लो, फूड में ही ले लो, अनियन पसंद है, किसी को अनियन नहीं पसंद है, किसी को वेजिटेरियन पसंद है, किसी को नॉन वेजिटेरियन, मतलब किसी को नॉन वेजिटेरियन पसंद है, तो इसलिए फूड पसंद है। तो ये जो है लाइक और डिसलाइक जो है लोगों के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप ही ये मूड स्विंग जो कहते हैं ये चेंज होता रहता है। हमारे जो सेंसेस हैं उस अकॉर्डिंग हमें पता चल जाए कि हमें किसी कोई चीज़ हम स्मेल करते हैं अपने नोज से, कोई गंदी स्मेल हो तो हम कहते हैं स्मेल गंदी है, कोई अच्छी स्वीट स्मेल हो तो स्वीट स्मेल है, ठीक है। और टेस्ट में जैसे हमें पता चल जाता है टंग से कि हाँ कौन सी चीज़ें अच्छी है खाने में, कौन सी चीज़ कड़वी है, क्या है, ठीक है। ये जो हमारा लाइक एंड डिसलाइक ऐसी है, जो कल्चर इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल का है, जो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट है आपका वेट और साइट का जो है, रीड एंड फील विदाउट साइट, मतलब बिना आँखों के बिना कानों के इंसान कैसे लर्न करता है, कैसे सीखता है, कैसे पढ़ता है, तो वो फील करते हैं वो हर चीज़ों को, जिनके पास आइज नहीं होते, जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो फील करते हैं, महसूस करते हैं। और जैसे अब ब्लाइंड लोगों की पढ़ने की जो वो है, जो पढ़ते हैं उनका अल्फा लेट्स होता है, उनका जो अल्फा वेट होता है वो होता है बेरली अल्फा वेट होता है, उसके थ्रू करते हैं। हेलन केलर के बारे में मैंने बताया था, वो आँखों के साथ साथ, मतलब आँखों के मतलब ब्लाइंड के साथ साथ वो, उसको हियरिंग पावर भी उसका स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो भी बेरी भी थी। तो उसने अपने लिए क्या क्या वो डॉट्स वाले जो होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स बताए मैंने अभी आपको, बेरली जो है जो डॉट्स के थ्रू फिंगर उस पर डाल के डॉट्स के थ्रू उसमें पढ़ते हैं, तो पढ़ते जो है उस अकॉर्डिंग उनका, उनको पता चलता है उस डॉट्स के अकॉर्डिंग उनकी जो लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टीफन हॉकिंस के बारे में मैंने बताया था, वो पैरालाइज थे, नीचे वाले पार्ट थे उनकी पैरालाइज थी, फिर भी उन्होंने अपने लिए एक मशीन बना ली, दिमाग उनका इतना अच्छा खासा तेज था, तो उन्होंने मेहनत की।
तो इस पर भी आपके ना इन चैप्टर में से भी MCQs क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, इसलिए चैप्टर को अच्छे से रीड करो, जो आपके जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक को अच्छे से देखा करो। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, द डैश ऑफ अवर बॉडी कीप गेटिंग बिगर एंड बिगर टिल दे डिवाइड इंटू टू। जो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो जब भी हम बड़े होते जाते हैं तो वो डिवाइड होते जाते हैं टू पार्ट्स में, समझ गए। नेक्स्ट है आपका एट अ सर्टेन एज वी स्टॉप, कौन से एज में हम स्टॉप, हमारा जो एज ग्रो जो होता है वो ग्रोइंग करना स्टॉप करता है 23 एज में। और न्यू बॉर्न बेबी जो होता है कम्युनिकेट कैसे करते हैं, रोने के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, रो के करते हैं, ठीक है। अब आपके हैं टेक द करेक्ट ऑप्शन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स हाइट ऑफ अ पर्सन इज मेजर्ड, इसमें पर्सन की हाइट हम किससे मेजर करते हैं, फीट से, तो फीट पे हम क्लिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स इज यूज बाय ब्लाइंड, ब्लाइंड के लिए जो यूज़ किया जाता है वो स्क्रिप्ट का क्या है, बैगली है, तो बैगली पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट आपका जो है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट है, वी ऑल ग्रो टू अ सर्टेन एज, ये बात तो सही है, हम सभी एक सर्टेन एज तक ही ग्रो करते हैं। न्यू बॉर्न बेबी इज द शॉर्टेस्ट मेम्बर इन अ फैमिली, न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं वो बहुत छोटे मेम्बर होते हैं फैमिली के। वी हैव 10 सेंसेज, हमारे कितने सेंसेज हैं, 5 सेंसेज हैं, 10 तो नहीं है तो ये गलत है। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है आपके, जैसे इसमें भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, वट आर अवर 5 सेंसेज, तो इसमें 5 सेंसेज पूछा है तो आपके MCQs में ऐसे आएंगे, वट आर अवर नेम एनी वन सेंस ऑर्गन, तो आपको किसी एक सेंस ऑर्गन का नाम बताना है, तो आईज एंड नोज आप टिक लगाओगे, आपके ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से आपको देख के टिक लगाना है। इन विच यूनिट हाइट इज मेजर्ड, अब कौन से यूनिट पे हाइट मेजर किया जाता है, हाइट जो है वो मेजर किया जाता है पहले फीट एंड उसको फिर इंचज में कन्वर्ट करके फिर सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आपके हैं, एट विच एज वी स्टॉप ग्रोइंग, ये MCQs में भी ऐसे बन के आ सकते हैं, एट विच एज वी स्टॉप ग्रोइंग, तो एट 23 एज वी स्टॉप ग्रोइंग। वट इज़ अ बेली स्क्रिप्ट, अब बेली स्क्रिप्ट क्या होता है, जो बेली स्क्रिप्ट होता है वो डॉट्स वाले होते हैं, आपको मैंने भी बताया था, दिखाया था, उनका जो उनके लिए होता है, ये जो ब्लाइंड पर्सन है उनके लिए होता है। हाउ डू वी ग्रो, हम कैसे ग्रो करते हैं, हमारे जो ग्रो करने का जो है स्टेज वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रो होता है, पहले हम बेबीज़ होते हैं, बेबीज़ में धीरे धीरे फिर चिल्ड्रन में कन्वर्ट होते हैं, फिर एडल्ट एज में, फिर हमारा जो है फिर टीनेजर में आता है फिर एडल्ट एज में आता है, फिर ओल्ड एज में आता है अपन, ठीक है। ये सभी आपको अच्छे से चैप्टर को पहले रीड करना है, क्योंकि रीडिंग ज़रूरी है, समझो चैप्टर को तभी जाके आप क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हो। फिर जितने भी आपके एक्सरसाइज हैं क्वेश्चन आंसर्स हैं सभी को लर्न करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।